लैंडिंग स्टेशन से पहले घूम स्टेशन पर उतर जाना। वहां अंकल की गाड़ी तुम्हारा इंतजार करेगी। सॉरी आई एम सॉरी। बहुत खूब बहुत खूब। माफ कीजिए, आप मेरे काम में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। माफ कीजिए, इससे कुछ ज्यादा ही जान पहचान मालूम होती है आपकी। आपको कोई इतराज? बिल्कुल नहीं। एक खूबसूरत नौजवान एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर बनाए तो उसके पिता को क्या एतराज हो सकता है? जी आप रूपा देवी के पिता? जी जी मुझे मालूम होता तो मैं तो आप इसकी तस्वीर नहीं बना। अजय साहब, हर लड़की किसी न किसी की तो बेटी होती है। ओ स्टेशन आ गया, नमस्ते। ओ ये अपनी रक्षा के लिए। हाँ माफ कीजिए, इसमें मेरा कसूर नहीं। गाड़ी 3 मिनट पहले आ चुकी। मैं आपके चाचा दीनानाथ का ड्राइवर हूं। चलिए। समझा 18 साल 6 महीने के बाद आया हूं तो क्या अंकल का पैलेस याद नहीं रहा मुझे? मालिक का हुक्म है कि आपको दार्जिलिंग के मशहूर होटल माउंट एवरेस्ट में ठहराया जाए, और आप जानते हैं कि उनका हुक्म कोई नहीं टाल सकता। सुबह ठीक 9 बजे गाड़ी का हॉर्न बजाऊंगा, गाड़ी तक पहुंचने में 1 मिनट, रास्ते में 29 मिनट, ठीक 9:30 बजे गाड़ी पैलेस के सामने होगी, और आप 9:33 पर मालिक के सामने। 9:33? जी, उनका हर बड़ा काम 9:33 पर होता है। उनकी घड़ी से मेरी घड़ी मिली, मेरी घड़ी से आप अपनी घड़ी मिला लीजिए। वक्त पर चलने वालों की घड़ी कभी गलत वक्त नहीं दिखाती है। तुम जा सकते हो। सर, ये होटल का सबसे शानदार सूट है। यहाँ राजा, महाराजा, अम्बेसडर, मिनिस्टर और फिल्म स्टार ठहरते हैं। राम सिंह, तुम 1 मिनट पहले आ गए। इसी वास्ते तो हार नहीं बजाया साहब। अंकल ठीक है? ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है 18 साल के बाद घर लौटना। मालिक समय के बहुत पाबंद है, ठीक 3 मिनट बाद आप उनके सामने होंगे। आइए। अच्छा राम सिंह,
आ गए रवि, लेकिन एक मिनट पहले। खैर, सामने वाली मेज के पास जाओ। उस दराज को खोलो, बंदूक है ना, उसे उठा लो। मैं ये देखना चाहता हूं अब भी वैसा ही निशाना लगा सकते हो जैसा बचपन में लगाते थे। मैं बचपन में एक ही निशाने से 6 बत्तियां बुझा दिया करता था। वाह अंकल, बिल्कुल ही वैसा पक्का निशाना जैसा 18 साल पहले था। रवि, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं अपना हर बड़ा काम 9:33 पे करता हूँ। जी हाँ। मगर क्यों, बता सकते हो? जी इसलिए कि मेरा जन्म 9:33 में हुआ था और उसी समय आपको बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा हुआ था, तभी से आप अपना हर बड़ा काम 9:33 पर ही करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तुम्हें याद है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें किस नाम से पुकारा करते थे? याद है अंकल, उस नाम को जिसमें माँ की ममता और पिता का प्यार भरा हो, इंसान तो क्या पत्थर भी नहीं भूल सकता। टिक्कू, वो मुझे टिक्कू के नाम से पुकारा करते थे। माँ, मैं जानता हूँ आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने अपने माता पिता को भी ठीक पहचाना? यानी कि मैंने आपके सारे इम्तिहान पास कर लिए। इम्तिहान? जी हाँ, निशानेबाजी से लेकर बचपन के नाम तक, माता पिता की तस्वीर को पहचानने से लेकर चुटकी बजाने की आदत तक। अब तो आपको यकीन आ गया कि मैं ही आपका बिछड़ा हुआ भतीजा हूँ, असली भतीजा हूँ, नकली नहीं। तुमने मेरे शक का ठीक अंदाजा लगाया रवि, लेकिन खून से खून अलग नहीं हो सकता। मैंने देखते तुम्हें पहचान लिया। और मैंने सिर्फ आपकी आवाज सुनते ही। अब मुझे आगे दीजिए कि आपको पहुंच छू कर मैं अपनी तमाम गलतियों की माफी मांग सकूं। नहीं नहीं बेटे, ऐसा ना कहो। जो हो गया सो हो गया। मेरी इस बेशुमार दौलत के तुम ही इकलौते वारिस। अब तो यही इच्छा है कि जब चल बसूं, मेरे मुंह में गंगा जल डालकर अपने हाथों मेरा आखिरी संस्कार कर देना। देखिए, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं फिर कलकत्ता वापस चला जाऊंगा। मुझे आपकी दौलत से कोई वास्ता नहीं। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको खुश रखना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अरे बेटे, मेरी सेवा के लिए यहाँ एक बहुत होशियार नर्स है। रवि, मैंने तुम्हें माउंट एवरेस्ट होटल में इसलिए ठहराया है कि हफ्ते में सिर्फ 2 मेरे पास रहो और बाकी के 5 घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं तो यहाँ सिर्फ आपके पास रहने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए आया हूँ। यो मेडिसिन राजा साहब। रवि के आने से मेरी आधी बीमारी तो ठीक हो गई। बेटे, मैं बूढ़ा तो जरूर हो गया हूँ लेकिन पागल नहीं। तुम तो जवान हो, यहाँ कैदी बन के कहाँ रहोगे? यहाँ की मेंस क्लब का तुम्हें मेंबर बनवा दिया है। वहाँ अपना दिल बहलाओ, कार्ड्स खेलो, बिलियर्ड्स खेलो, अपनी दिलचस्पी का सामान ढूंढ लो। जी दिलचस्प लोग मिल जाएं तो दिलचस्पी हमेशा लगाई जा सकती है। राजा साहब, आपको जोर से हंसने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, आज 8 के बाद तो हंसी आई और तुमने टोक दिया। आई एम सॉरी राजा साहब, आपके आराम करने का टाइम हो गया है। रवि, एक बात का ख्याल रखना, किसी पे ये जाहिर ना करना कि तुम राजा दीनानाथ के भतीजे हो, वरना गलत लोग तुम्हें घेर लेंगे। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हेलो यंग मैन, नमस्ते। जी ट्रेन पर से तो आप मेरी बात सुने बगैर ही चले गए थे। मैंने सोचा कहीं बात पूरी हो गई तो बात की मुलाकात के लिए क्या बचेगा। कहिए, वो तस्वीर पूरी हो गई? जी
I mean रूपा की। करीब करीब। तो उसे पूरी करके कल शाम को मेरे घर ले आएंगे। कल रूपा की सालगिरह है। तो क्या रूपा जी आजकल यहीं हैं? जी हाँ बिल्कुल यहीं है। आपको तस्वीर को देखकर वो हैरत में पड़ जाएगी। आपको मेरी तरफ से दावत है। ये मेरा कार। जी मैं जरूर आऊं। थैंक यू। यहाँ भी? हाँ हाँ बनो मत, समझ गए तुम डुबकी मार के पानी पीती हो। हाँ। मैं सिर्फ कहती हूँ ना, मैंने डुबकी मारी है ना पानी पिया है। मालूम नहीं यहाँ कैसे आया, किसने इसे बुलाया? हम लोगों के साथ साथ इनको भी इनविटेशन भेज दिया कलकत्ता। आइए पोस्टमैन साहब, किसी की चिट्ठी लाए हैं? अरे नहीं, आज तो पार्सल लाए हैं। शर्म नहीं आती पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए? जी आया नहीं, बुलाया गया आपके पिताजी के इनविटेशन पर। अब बुजुर्गों की बात मानना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। जैसे उस रोज कलकत्ते में आपकी दादी जी ने कहा था, पिकनिक पर तुम भी चले जाओ बबुआ, मैं आपके साथ चला गया था। हेलो माय यंग फ्रेंड, हाउ आर यू? बेटी मेरे नए दोस्त मिली, लाजवाब आर्टिस्ट। एक बार किसी को देख लेते हैं याददाश्त से हू बहू उसकी तस्वीर बना देते हैं। तुम्हारी भी तस्वीर बनाई है? कहाँ है वो तस्वीर? तुम यहाँ? हाँ आ गई महारानी, केक खाइए केक खाइए। देखते ही कान में डांट लगा ली। मैं भूल गया, योर मोस्ट ओबीडियंट हैंडपिक्ड हस्बैंड। चलो चलिए, एक्सक्यूज मी। आप इसे देखेंगी तो आईना देखने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तस्वीर आपने देखेंगी, तस्वीर में तस्वीर बनाने वाले की सूरत नजर आएगी। शट अप, न मुझे तस्वीर चाहिए ना तस्वीर बनाने वाले की सूरत। आप यहाँ से जाइए। अरे मुंह मीठा करती जाइए। गुस्ताखी मत, एक खालिस हिंदुस्तानी शायर की मौजूदगी में भला की विलायती मिठाई क्यों? सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, क्या तस्वीर हैची है हैचने वाले ने। शेर अर्ज करता हूँ, आपके पाओ में जूती बन के रहता वक्त हो मेम साहब, जरा जूती पे मुलाजा फरमाइएगा। शेर अर्ज है, आपके पाओ में जूती बन के रहता वक्त हो, आप चलती ही रहे तो साल, फिर वो नर्म हो या सख्त हो। आधा अर्ज है। काकी माफ हो शायर साहब, जरा सी रद्दो बदल कर दीजिए शेर में तो मौके और माहौल के मुताबिक बात बन गई। हुजूर लगे हाथ बन गई। शेर अर्ज करता हूँ, हुस्न के जलवे मोहब्बत के बिना बेजान है। शेर बाकी है, क़िबला रुकिए जरा। अर्ज करता हूँ, हुस्न के जलवे मोहब्बत के बिना बेजान है। आप जैसा नौजवान और कदरदान हो मेहरबान, तो दो जहां कुर्बान है। जी जी आपकी तस्वीर। को है वो नाराज, एक नाज है अंदाज है, जो भी वो अंजाम एक बहका हुआ आगाज है, क्योंकि हम कहाँ और तुम कहाँ। आहा क्या टुकड़ा है, हम कहाँ तुम कहाँ।